नमस्कार बच्चे गाइस। तो ये वाराणसी का ब्लॉग है, यहाँ पे मैं नहीं गया था, यहाँ पे सौरभ विशाल गया था, वो दोनों यश गए थे। मैंने सौरभ से कहा था वहाँ जाना तो ब्लॉग बना लो अपने चैनल पे डालना, लेकिन उसने नहीं बनाया, उसने कहा मैं अपने चैनल पे डालू तो आप ये इंजॉय करो। आगे पीछे हो सकती है वीडियोस आगे पीछे इस पे हो सकती है, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सी क्लिप कब की, मैंने बस ऐड कर दिया है। और अभी आप लोग इस वीडियो को मस्त इंजॉय करो, और मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लॉग भी नहीं थे तो मेरे लिए अच्छा है। सो गाइस, गंगा घाट आए थे, इस बार आए थे नहाने, इस बार आए थे नहाने उस तरफ घाट है वहाँ पर मेन, इस बार आए थे नहाने, पापियों के पाप दिलवा रहे हैं। आपने लापरवाही का नतीजा है, आप लोग थोड़ा डुबकी मार लीजिए साथ में। चलते हैं बस, इनकी थोड़ी दिक्कत हो रही, बस चल रहे हैं यहाँ से। अब जा नहीं सकते काशी विश्वनाथ जी के मंदिर, हम लोगों ने बहुत फोन करा इधर पानी में, ठीक है। बम बम बोले, बम बम बोले, बैठा रहा भैया, हिली तो है, तुम मत हिलना बस, हाँ है तो हिलेगा ही। हम लोग उस तरफ जा रहे हैं नहाने के लिए, पड़ रही है, पड़ रही है गंगा जी में नहाने के लिए, उसके बाद जाएंगे श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। So guys, here we are at बनारस, बनारस का काशी विश्वनाथ। क्या हुआ ना, ऋषि नहीं आया और हम लोग अभी सिर्फ काशी विश्वनाथ के घाट पे हैं, और मैं उसके लिए ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, उसको गिफ्ट दूंगा। ये देखते हैं मलारा हम इस घाट पे आ चुके हैं नहाने के लिए, श्री गंगा जी में नहाने के लिए आए हैं। बहुत भीड़ है और हम लोग सुबह आए 10 बजे, क्योंकि हम लोग बहुत लेट उठ गए धूप के साथ। भाई क्या मतलब क्या व्यू है इधर का, बहुत अच्छा है। और ये देखिए दलाली चल रही है बोट के लिए, दलाली चल रही है जस्ट सामने। ये होटल है फूड कोर्ट होटल उदय टू मुंबई, यहाँ पे कल मैंने और आरब ने डिनर किया था, हम लोगों ने मंगाया था और एक मसाला डोसा फ्राइड शायद से इतना ही मंगाया था। आज यहाँ से मैं कॉफ़ी और इवनिंग स्नैक करके निकलूँगा स्टेशन के लिए। आज 11:50 की अभी ट्रेन, तो यहाँ से हम लोग 10 या 9:30 बजे के आसपास निकल जाएंगे। फिलहाल अभी गया था, लोग शॉपिंग करने कहीं गए हैं, कुछ तो सामान वगैरह ले रहे हैं, और मैं घाट के पास आया था। अभी मैं घाट के पास बैठूँगा, थोड़ा बहुत हल्का का पानी गिर रहा है, 12 बजे स्कूल में अभी आगे चलते हैं और आपको कुछ बता के कुछ नहीं। वे पता चला नीचे वाले ऊपर आ जाए कहीं भैया, ये क्या बिन के चीज है, क्या कोई वो चल रहा है क्या, उठाने कॉम्पिटिशन। अबे थोड़ा तो बॉडी थोड़ा तो मैं इसे हूँ लीन हूँ थोड़ा, मैं चलते चलते पता नहीं कौन से घाट पे आ गया हूँ, ललिता घाट, सामने ललिता घाट लिखा है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैं यहाँ बनारस 3 बार आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक शायद यहाँ तक नहीं आया,
बहुत पैदल चलते चलते पता नहीं बहुत आगे आ गए हूँ। गया था वो लोग सब रूम पे हैं और मैं यहाँ पर ललिता घाट पर, आप पीछे देख सकते हैं क्या है, अगर आपको दिख रहा होगा पीछे है मणिकर्णिका घाट, जिसके बारे में आपको शायद अगर आपको पता होगा तो पता होगा, लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पर लाइक 24 घंटा चिता जो होती है जिला करती है, तो 24 घंटा मतलब 24 आवर्स हमेशा, जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको जलता हुआ मिलेगा यहाँ पर। मणिकर्णिका घाट वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पावरफुल घाट मानी जाती है वाराणसी की, काशी बनारस की, तो मैं अब उसके आगे नहीं जाऊँगा, अब यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा उस तरफ, मैं वापस पीछे की तरफ जाऊँगा। फिलहाल मैं क्या देख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक बोट मिल जाए जो मुझे घाट घुमाए, जैसे बोट चल रही ना, मैं चाहता हूँ मुझे एक बोट मिल जाए जो बोट मुझे घुमाए, मतलब सारे घाट ऐसे एक बार पानी से बोट में सारे घाट देख लें, क्योंकि बोट से अलग ही लगता है देखने में, तो अभी मैं बोट ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद मैं बोट के आगे से कंटिन्यू करता हूँ। बंद है आज तो लेट आए हैं, मैं बोला लस्सी बंद है अब जा रहे हैं वापस। सो अभी हम लोग का ब्लॉग चालू हो गया है यहाँ से वापस, अभी मैं आया हूँ इधर, ऐसे दिख रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है दशा, अभी हम दशा कुछ तो घाट है, तो यहाँ पर क्या है इसकी स्टोरी ये है, जगत पिता ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 अश्वों मतलब 10 घोड़ों की ऐसा सेक्रीफाइस किया था यज्ञ के लिए, तब से इसका नाम दशा व्यामेत घाट पड़ा। तो गाइस अभी यहाँ पर आ चुके हैं उदयपुर टू मुंबई करके रेस्टोरेंट है वाराणसी का सबसे बेस्ट, तो यहाँ पर आए मैं और आरव कुछ थोड़ा बहुत खाने, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लगी, क्योंकि हम लोग घर से खाए थे ना, वो बच भी गया था, तो खा लिया था वापस होटल पे थोड़ा 6 बजे के आसपास, तो ज़्यादा भूख नहीं लगी, अभी बाहर कुछ मसाला सोडा करके पिया था, बड़ा सही था। यहाँ पर आएंगे डोसा या ऐसा कुछ खा लेंगे, इस बार होटल की तरफ निकलेंगे। हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये रहा मसाला डोसा, ये मसाला डोसा स्प्राइट आ रहा है, ये यहाँ का व्यू, अभी यहाँ से लोग खा पी के निकलते हैं होटल की तरफ, टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, तो यहाँ से खा के निकलते हैं। त्रिशूल देखने कितना बड़ा लगा है, त्रिशूल देखने कितना बड़ा लगा है, इधर पकड़ो इसको दिखाओ, पकड़ लो खड़ा तब लगने कितना, ये गेट नंबर चार यहाँ पे हम लोग कल दर्शन करने आएंगे, अभी बंद हो गए हैं, तो चलते हैं होटल की तरफ। दूध लस्सी पीने गए थे लेकिन शॉप बंद हो चुकी है, तो होटल की तरफ वापस जा रहे हैं, और कुछ खाएंगे पीएंगे होटल पे रेस्ट करेंगे, और कल पूरी एनर्जी के साथ कंटिन्यू करेंगे।